من طلعته والليل دجى من وفرته فأقروا سلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته فأقروا سلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته الله الله الله. वेलकम बैक टू माई चैनल. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहनें बहुत अच्छी होंगी और अपने घरों में पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे. और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दें, आमीन. यहाँ पर मैं खा रही हूँ आलू वाला नान जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया. एंड यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल, मिक्स दालें हैं और साथ में मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव. और क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था और गैप आ गया है. राइस आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी जो वो कुछ गैप आ गया था, तो आज मैंने सोचा कि बाकायदा एहतमाम किया जाए अपने लिए राइस बनाने का. सो दाल बना रही हूँ और साथ में बना रही हूँ मैं चिकन राइस जिसमें मैं आलू भी डालने वाली हूँ. तो दाल जो है वो ऑलमोस्ट गल चुकी है, इसमें पानी काफ़ी सारा है, इसको हमें थोड़ा ड्राई करना है. और यहाँ पर जो है प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं और साथ साथ में मैं कर लेती हूँ आप लोगों से थोड़ी थोड़ी सी बातें. अब मैंने इसमें जो वो सब्ज़ धनिया डाल दिया है और हाँ मैं इसका पानी मज़ीद खुश्क करूँगी और फिर हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेंगे. और हाँ बस यही, आप लोग बताइए आप लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है और क्या चल रहा है आप लोगों के यहाँ. मौसम की तब्दीली के साथ साथ जो है वो आपके मूड्स में भी चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं जैसे जैसे मौसम तब्दील होता है. तो आप लोग बताइए आप लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है. और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी सब ठीक है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है. और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ऐड किया था, मेरी कज़न सिस्टर आई हुई हैं. सो कभी वो फैसलाबाद में होती हैं, कभी यहाँ पर आ जाती हैं. तो इस वीक में वो वीकेंड पर यहाँ पर आई थी तो हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया. हम लोग फ्राइड चिक्स पर भी गए और घर पर भी खूब इन्जॉय किया, तो बच्चों के साथ एंड ऑल. सो यस, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ, अच्छे दिन गुजर रहे हैं. और यहाँ पर मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया और साथ साथ मैं देख रही हूँ दाल को. और मेरे बैकग्राउंड में आपको पैरट की आवाज़ आ रही होगी जिसकी तो ये पक्की आदत है कि वो जब भी मैंने रिकॉर्ड करना होता है, जब भी वॉइस ओवर करना होता है, इसने अपना शोर मचाना शुरू कर देना होता है. तो मुझे भी मजबूरन इसी तरह से वॉइस ओवर करना पड़ता है क्योंकि कोई भी ऐसा टाइम नहीं मिलता जिसमें ये खामोशी से बैठे और मैं अच्छे से वॉइस ओवर कर लूँ. खैर यहाँ पर मैंने नमक मिर्च और साथ में जो है वो ब्लैक पेपर डाल दिया है और सब्ज़ मिर्च वो मैंने दो इसे रफली चॉप कर ली हैं और वो मैंने इसमें डाल दी है. थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी और फिर भूनने के बाद हल्का सा पानी लगा दूँगी ताकि जो है वो चिकन हमारा जो वो सॉफ्ट हो जाए. एंड यस, और एक इसमें ने दो आलू ऐड किए हैं थोड़े बड़े बड़े साइज़ के काट कर क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था इसे ही खाने को. सो मैंने डाल दिए. तो दाल हमारे यहाँ पर जो वो ऑलमोस्ट रेडी है, मतलब इसको अब हम तड़का लगाने के लिए ये तैयार हो चुकी है. थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं. और ये दाल भी यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, लेकिन मेरा दिल था राइस खाने को सो मैंने राइस बनाई है. और हाँ ऐसा हुआ था कि मेरा दिल राइस खाने को था, मैंने बनाए और उस रात किसी ने भी जो वो चपाती नहीं खाई, सभी ने राइस खाए थे. तो मैंने ये दाल नेक्स्ट डे में यूज़ कर ली थी और नेक्स्ट डे मुझे हंडिया नहीं बनानी पड़ी. तो नेक्स्ट डे मैंने खूब सारा रेस्ट किया, बिल्कुल जो वो टेंशन फ्री होके, और मैंने ये वाली दाल यूज़ की और बहुत टेस्टी बनी थी. यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ. बिरयानी मसाला से जो राइस बहुत मज़े के बनते हैं और
मैंने साथ ही जो वो साबुत गर्म मसाला में ऐड कर दिया है बिरयानी मसाला, और अभी जो है मैं इसको इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा, इसके साथ में बाउल के रह गए, इसको मैं पानी डाल कर निकाल लूँगी। तो यस, इसको मैं मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। और यहाँ पर तड़का तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने एक बारीक बारीक कट किया ना, बारीक स्लाइस में मैंने एक अनियन काट लिया है। सबसे पहले मैंने इसमें अनियन ऐड किया है। जब अनियन थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लेंगे तो मैं इसमें जो है वो लहसुन के छोटे छोटे से क्लोव्स राउंड शेप की कटिंग करके तो वो डाल दूँगी। और मैंने जो है वो स्टोव चेंज कर लिया है, शायद वहाँ पर गैस की लोड शेडिंग का प्रॉब्लम था। अब मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है, और उसके बाद मैं स्टेप बाई स्टेप इसमें जो है वो अपने बाकी के जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो डालते हुए तड़का तैयार कर लूँगी। और फिर मैं इसको दाल में ऐड कर दूँगी। दो ग्रीन चिलीज मैंने डाल दी है इसमें, तो इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाए ग्रीन चिलीज। उसके बाद मैं इसमें डालने जा रही हूँ क्या, मैं वेट कर रही थी कि ये जो लहसुन है ये भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। तो जब भी लहसुन कलर अपना चेंज करने लगेगा तो उसके बाद जो है मैं इसमें जीरा, काली मिर्च और साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डाल दूँगी। तो ये हमारा देखिए कितना कलरफुल सा तड़का, ठीक है, बोलते पकार पकार तैयार हो गया। आई डोंट नो, मैंने नहीं सुना था। ओके, तो ये मैंने इसको दाल में ऐड कर दिया और ढक्कन कर देंगे बंद। एंड यस, दार सी दाल हमारी तैयार है। यहाँ पर मैंने पानी लगा दिया है, पानी लगा दिया है, और आलू जो वो मैंने जानबूझ के इस तरह से काटे हैं। आज मेरा दिल चाह रहा था थोड़े बड़े बड़े साइज के आलू हों, फिर वो टेस्ट में अच्छे। ओ क्या हुआ, फिर मैं इसमें ये राइस डाल दूँगी। उस पानी में बॉयल आने लगा है, यार क्या हो रहा है। फिर मैं इसमें जो है वो राइस डाल देती हूँ, और राइस हमारे दाल तो होगी रेडी, उसको मैंने साइड पर रख दिया है, और राइस हमारे दम पर लगाने के लिए रेडी है। और यहाँ पर आज जो मैं एक चटपटा सा काम करने जा रही हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो दाल देखिए ना जो कि हमारी रेडी हो गई है। मुझे और चावलों को दम लगाने से पहले मैं इसमें ऐड करूँगी अचार। लुक एट दिस, यानी कि मैं हालांकि राइस बना रही हूँ लेकिन उसके बावजूद मुझे दिल चाह रहा है कि मैं दाल खा लूँ। सो यहाँ पर देखिए पानी जो खुश्क होने को है, राइस बना रही हूँ लेकिन फिर भी मेरा दाल खाने में दिल चाह रहा है क्योंकि दाल इतनी यम्मी बनी है। सो ये अभी जो है मैं दम पे लगा देती हूँ इनको। तो अपने राइस को और ज़रा चटपटा सा बनाने के लिए मैंने इसमें जो है वो ये अचार ऐड कर रही हूँ। और सच बताऊँ आपको, अचार ऐड करने से पूरे राइस में एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा टेस्ट आ गया था कि अभी भी मुझे वॉइस ओवर करते करते मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि तो यहाँ पर मैं इसमें इस तरह से अचार रख के तो इसको दम पे लगा दूंगी, तो एक मजे का जो टेस्ट है वो आपके पूरे राइस में आ जाएगा। अब मैं इसको लगा देती हूँ दम पर।
और यहाँ पर देखिए ये माशाल्लाह अब वॉकर जो वो खूब घुमाता है यहाँ से वहाँ, और इसको यहाँ से जब वो ये मिल गया झाड़ू, और अभी लेकर जो वो पूरे घर की सफाई कर रहे हैं एंड इज लुकिंग सो क्यूट माशाल्लाह। चले उधर से मैं उधर जाऊँ। अच्छा ठीक है, अभी नहीं चाहिए, मुझे जाने देता थे। चलो फिर से। अच्छा जी अब मैं करती हूँ। 1 2 3 अच्छा जी अब मैं करती हूँ। 1 2 3 जूता उतर गया। फिर से इधर से आगे से आ जाओ। आपको भी जूता उतर गया लेकिन पाँव पे लग जाएगा, आपके पाँव पे लग जाएगा। जूता पहन के करें। ओ जूते पहन के करें। ओह माय गॉड अब जूता चेंज करने लगे हैं।
आप जगह चेंज कर रहे हो क्यों? पसंद नहीं आया क्या? आप सो रहे हैं इधर? चिनान ओके देखो तुमको मौत हो गया रेडी उधर जाए उधर आओ उधर नहीं फिर अच्छी वीडियो आएगी बहुत अच्छे लग रहे हो आप माशाल्लाह चले ओ वाओ अच्छा आप इधर आना ठीक है ठीक है ओके रेडी दाऊद रेडी आगे आके नहीं दूर से करें हाँ वहां खड़े हो अच्छा आई एम सादिया अ टाइनी यूट्यूबर फ्रॉम पाकिस्तान I make videos of cooking, eating, outing, shopping, DIYs, vlogs, and many more. If you like something about my channel, please don't forget to subscribe. Thank you very much.